आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली चटपटा स्नैक्स रेसिपी, जो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। यह घर के ही सामान से बना के तैयार किया गया है, तो चलिए इसे बनाना देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम रेसिपी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटा से बनने वाली चटपटा स्नैक्स रेसिपी, जो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी, तो चलिए बनाना देख लेते हैं। अगर आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक कटोरी गेहूँ का आटा है, ये लगभग 200 ग्राम है, तो इसको मैं एक प्लेट में ऐड कर लेती हूँ। अब इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे आधा कटोरी, ये हमारा चावल का आटा है, इसे डालने से हमारा स्नैक जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, तो चलिए इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा 50 ग्राम है और दोनों चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब रेसिपी को थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया आधा चम्मच अजवाइन, इसको थोड़ा सा क्रिस करके इसमें डाल देंगे, इससे हमारे आटे में अच्छे से खुशबू आ जाएगी। अब नाश्ता को क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाल दूंगी 1 से 2 चम्मच ऑयल, इसे अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे, इससे हमारा नाश्ता जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए ऑयल को अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब आटा में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से आटे में मोहन भी दे दिया है और स्वाद अनुसार इसमें नमक भी डाल दिया है। अब सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो तैयार करूँगी। तो हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, तो चलिए एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ बहुत सारा पानी हमें नहीं डालना है, नहीं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा, इस बात का हमें ध्यान देना है। तो चलिए अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो हम इसका तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक सॉफ्ट डो बनके रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी पानी लिया था, तो इतना पानी हमारा बच गया है। अब इसे मैं ढककर रख देती हूँ थोड़ा सा रेस्ट के लिए। चलिए आगे क्या लेना है वो देख लेते हैं। अब नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं ग्रेट किए हुए आलू, थे हमारे 4 से 5 उबले आलू हैं, इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाइंडिंग के लिए इसमें मैं डालूंगी, यहाँ पे लिया 1 बड़ा चम्मच ये हमारा मैदा है, मैदा की जगह पे आप लोग यहाँ पे अरारोट कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं ऐड करूँगी कुछ चटपटा बनाने के लिए मसाले, तो यहाँ पर मैंने लिया है हरी मिर्च 2 से कटी हुई, चाट मसाला यानी कि समोसा मसाला, यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है, साबुत जीरा लिया है 1/2 चम्मच, रंगत के लिए यहाँ पे हल्दी लिया है। तो यहाँ पे मैंने मसाले अपने पसंद से लिए हैं, आप इस मसाले में से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर अमचूर पाउडर की जगह पे आप लोग के पास अमचूर पाउडर नहीं है तो यहाँ पे आप लोग नींबू ऐड कर सकते हैं, अगर नींबू भी नहीं है तो चाट मसाला से भी आप लोगों का ये नाश्ता अच्छा बन सकता है। तो चलिए सभी मसाले को मैं अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेती हूँ। अब आलू में डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। अब सभी चीज़ को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी, तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब नाश्ता को फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, और थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लोग को ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लोग यहाँ लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तीखा चटपटा नहीं खाना पसंद है तो सिर्फ आप लोग इसमें हरी मिर्च ही अकेल डाल के काम चला सकते हैं। तो अब सभी मसाले को मैं अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मसाला आलू अच्छे से बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल एकदम चटपटा समोसे जैसा। तो आज की अब बहुत ही चटपटा स्नैक्स रेसिपी हमारी बन के रेडी होने वाली है, तो वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले को अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे आटा को चलिए देख लेते हैं, आटा हमारा सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल लेके थोड़ा सा डो में लगा के इसको थोड़ा मैं सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डो हमारा सेट हो गया है, चलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाने के लिए एक चकला लिया है और इसमें से मैं छोटा छोटा डो बना लेती हूँ। तो जितना हमें बनाना है उसी के अनुसार यहाँ पे हम डो ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह का डो ले लिया है, तो आप अपने पसंद से यहाँ पे डो ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे रोटी के आकार में बेलना है।
तो यहाँ पे मैंने डो को चार भाग में डिवाइड कर लिया है। अब एक एक डो लेके मैं नाश्ते को बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करूंगी और उसके बाद इसका एक मैं टिक्का बना लूंगी। और टिक्का बना के इसको मैं एक रोटी के आकार का बेल लूंगी, रोटी से थोड़ा मोटा। तो चलिए किस तरह का बेलना है बेल कर दिखाते हैं। तो इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं, रोटी से थोड़ा हमें इसे मोटा बेलना है। तो यहाँ पे मैंने रोटी के आकार का इसे बेल लिया है। अब मैंने जो ये मिश्रण बना के रखा था चटपटा, वो मैं रोटी पे अच्छे से इसे लगा लूँगी पूरे रोटी पे। तो चलिए अच्छे से पूरे रोटी पे लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने आलू का फिलिंग रोटी पे अच्छे से लगा लिया है। अब यहाँ पे लूँगी मैं एक नाइफ, और आप लोग यहाँ पे कोई पिज्जा कटर ले सकते हैं जो भी आपके पास है। तो मैं नाइफ की हेल्प से इसे इस तरह से कट करूंगी। तो इस तरह से हमें कट करना है, इस तरह से कट करना है, इस तरह से कट करना है। अब इसे हम एक स्क्वायर का शेप देंगे। तो इस तरह से स्क्वायर में हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने शेप अच्छे से दे दिया है स्क्वायर का। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसका कॉर्नर उठाना है और इस तरह से हमें रोल करते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। तो ये हमारा ये नाश्ता बनके रेडी हो गया है। तो इसी तरह से चलिए एक मैं और आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ से इसका कॉर्नर उठाना है और इस तरह से इसको हमें रोल कर लेना है। तो ये देखिए हमारा एक नाश्ता बनके ये भी रेडी हो गया है। तो चलिए इसी तरह से मैं सारे नाश्ते को अच्छे से रोल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से रोल करके नाश्ते को बना लिया है। चलिए इसी तरह से मैं सारे नाश्ते को बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारा रोल बना के तैयार कर लिया है। तो अगर आपके यहाँ अचानक मेहमान आ जाते हैं तो उन लोगों को भी ये नाश्ता झटपट में बना के खिला सकते हैं। वो भी पूछेंगे कि इस नाश्ते को कैसे बनाया। अगर कुछ चटपटा खाने का मन है और बहुत सारा नाश्ता बनाना है तो आप लोग झटपट में बहुत सारा नाश्ता इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं गैस की तरफ, इसे हम तल लेते हैं। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके पहले से ही तेल को अच्छे से पैन में ऐड कर दिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं जो रोल बनाई थी एक एक रोल करके मैं इस ऑयल में डाल देती हूँ। तो हमें बहुत सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही हमें रोल इसमें डालना है। तो चलिए एक बार में जितना रोल आता है उतना हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जितना रोल एक बार में आया है उतना यहाँ पे मैंने अच्छे से ऐड कर दिया है। और तेल गर्म हो जाने पे हमें गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देना है। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दिया है। अब एक तरफ इसे ब्राउन होने तक हम कुक कर लेते हैं। तो चलिए एक तरफ ब्राउन होने तक पका लेते हैं, फिर उसके बाद पलट देते हैं। तो इसे ब्राउन होने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाएगा। तो चलिए 4 से 5 मिनट इसे एक तरफ ब्राउन होने तक पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे स्नैक्स एक तरफ से ब्राउन हो गए हैं। चलिए एक एक करके इसे हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे स्नैक्स अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो 1 से 2 बार हमें इसे अच्छे से अलट पलट के ब्राउन होने तक पका लेना है। तो चलिए हमारे दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे एक प्लेट लूंगी और इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। तो ये देखिए कितना हमारा टेस्टी सुपर स्नैक्स बनके रेडी हो गया है। तो आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से सारे स्नैक्स को मैं बना लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सुपर टेस्टी चटपटा स्नैक्स रेसिपी को सर्व कर लिया है। तो आप लोग इसे घर के ही सामान से झटपट में आप लोग सुबह शाम के नाश्ते में इस स्नैक्स रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आज की गेहूं के आटे की स्नैक्स रेसिपी आप लोग को पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो ऐसे ही न्यू स्नैक्स रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।